वेलकम टू माई वर्ल्ड ऑफ सिंपल ईटिंग. आई हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम हजारीबाग. अगर आपने मेरे प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए. येट अगेन आई एम बैक विद अनदर एपिसोड एंड आज के इस एपिसोड में आई एम हियर इन बोकारो. अभी फिलहाल आई एम स्टैंडिंग एट सेक्टर 4 बोकारो वेयर इन आई एम गोइंग टू ट्राई आउट ऑल द डिलीशियस डेलिकेसीज. ओ भैया यहाँ पर कोई खाना खाता है या सिर्फ चाट खाता रात को? बट बिफोर वी स्टार्ट द फूड ट्रेल मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो. हम अपने फर्स्ट स्पॉट पे पहले चलते हैं. तो सबसे पहली चीज जो हम यहाँ खा रहे हैं वो है चिकन मोमो. नाउ आई वाज क्रेविंग फॉर चिकन मोमो. आई एम रियली सॉरी बिट्टू भैया बट आई एम क्रेविंग फॉर चिकन मोमो. सो यहाँ पर वन प्लेट चिकन मोमो जिसमें आपको मिलते हैं 10 पीसेस ऑफ मोमोज विद सम ग्रीन चटनी एंड रेड चटनी. दिस इज ओनली फॉर 60 रुपीज. सो दिस आर वेरी टाइनी लिटिल क्यूट लिटिल मोमोज. मीन्स चिकन लुक्स लाइक सोयाबीन. ये चिकन है या सोयाबीन है? सोयाबीन है ये तो. चिकन तो नहीं है? चिकन और सोयाबीन मिक्सड है. एक्चुअली इतना पीसेस देंगे तो कॉस्टिंग कहाँ से निकलेगा? इट्स नॉट बैड, लाइक इट्स अ डिसेंट वन. इतने छोटे छोटे के मुंह में ऐसे ही चले जा रहे मेरे. इट्स गुड. द आउटर लेयर इज लिटिल चुई बट अंदर फीलिंग इज डिसेंट. इट्स फ्लेवरफुल एंड चटनी के साथ बड़ा मज़ा आ रहा. जस्ट अभी वहाँ पर हमने मोमो खाया था एंड यहाँ पर ये है ये फूड ट्रक विच इज़ दिस शवरमा ट्रक. नाउ हियर यू कैन सी यू विल फाइंड चाइनीज मेन्यू वेज नॉन वेज बोथ एंड बट आई एम गोना ट्राई द शवरमा विच आई एम ट्राइंग इज काजू स्पाइस चिकन. ये आ गया मेरे पास काजू शवरमा रोल के अंदर है दैट शवरमा चिकन सम मिंस्ड अनियन. आई डोंट नो व्हाई बट ये थोड़ा ड्राई लग रहा है मेरे को. एंड या लेट्स ट्राई दिस विद दिस डिप. नॉट एक्सपेक्टिंग मच. डजंट लुक दैट एपेटाइजिंग टू मी. इट्स गुड बट आई स्टिल फील दैट द चिकन नीड्स सम मतलब सम मोर फ्लेवर टू इट. सम पंच मिसिंग टू इट. डिप के साथ खाएंगे ना. दिस इज आई एम गेसिंग दिस टू बी काजून सॉस. काजून में और डिप इसके साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है. सीरियसली कुछ डिफरेंट खा रही हूँ. लास्ट चार पाँच दिन से आई एम ईटिंग सम सेम जैसा खाना. थोड़ा डिफरेंट लग रहा है तो टेस्ट बड्स को भी थोड़ा सा रिलैक्सिंग फील हो रहा है. जो शवरमा का जैसा चिकन होता है ना वैसा टेस्ट नहीं. अदरवाइज चिकन के फ्लेवर्स अच्छे हैं बट वो शवरमा जैसा फील नहीं आ रहा है. कौन सा फ्लेवर है? वेनिला बादाम. ये क्या नारियल? क्या क्या डाले ऊपर? चेरी है. हाँ काजू. तो वी हैव गॉट दिस वेनिला आइसक्रीम एंड इसके ऊपर आप देख सकते हैं देयर इज चेरी नारियल काजू. 25 रुपीज इज वर्थ. नॉट बैड. It's icy cream, not creamy ice cream. What did you say? Icy creamy ice cream. मतलब मुंह में बर्फ का ना टेस्ट आ रहा है. Not bad. Local ice cream का टेस्ट ही अलग होता है. This place Lal Dabba. Now this is very chaotic and जब से मैं इस एरिया में आई हूँ this is like very busy though the stall is very small but I think it's very much in demand. Yes yes, जैसे कि मैंने कहा this place is in demand. It is. All the food fam from Bokaro has highly requested me to come and eat here. I will really thank Google Baba and food fam for suggesting me this place. जगह पे मत जाइए दोस्तों.
ट्रस्ट मी, इतनी छोटी जगह पे इतना बॉम खाना मिल रहा है ना, इतनी लाइन थी वहाँ पर, इतनी भीड़ थी, एंड आप देख ही सकते हैं कितने लॉट में खाना बन रहा है ना। कभी कभार क्या होता है, लॉट में खाना बनने की वजह से टेस्ट ख़राब हो जाता है, बट इनके केस में ऐसा नहीं था। लोग 10-10, 20-20 प्लेट पैक करा के लेके जा रहे हैं और मेरा नंबर ही नहीं आ रहा है। मैंने लास्ट में फाइनली उनको बोला कि भैया मैं कोलकाता से आई हूँ आपके यहाँ खाने, प्लीज़ मुझे एक प्लेट दे दो, तब जाके भैया ने मुझे दिया। So finally I got my thing which I was waiting from such a long time. Now let's just dig in because I can't resist. I think Bokaro ka ye dish and ek maine chicken lekin na last Rachi ke liye nikal rahi thi to main yahan se chicken lekin ka chicken kha ke gayi thi, to I think these are the two items jo best ho bolungi main Bokaro ka. So aap dekh sakte ho chili chicken mein kafi zyada chicken ke pieces hai, chote chote chunks hai lekin quite a good piece, and ye chicken pakora ke upar gravy dal dete hain, and aapko dekho isme dikhega spring onion, beans, gajar, dhaniya patta, a lot of stuff, and तो ये काफ़ी चटपटा दिख रहा है। आप ये देखो, ये जो राइस है फ्राइड राइस, ये भी काफ़ी चटपटा दिख रहा है। सो ये जो कॉम्बो है, दोनों कॉम्बो, ये कॉम्बो इज़ फॉर 100 bucks। ना इस राइस में भी सारी सब्जियाँ दी हुई है, चंक्स ऑफ चिकन भी है। तो चलो अब खा के देखते हैं। इट्स लिटिल ऑयली आई वुड से, बट फ्लेवरफुल है। मैंने गूगल में पढ़ा था दिस कॉम्बो इज़ फॉर 60 rupees, बट ये 100 rupees अभी शायद बढ़ गया होगा, प्राइस हैज़ इंक्रीज, बट इट्स गुड, इट डिसेंट, इट्स क्वाइट डिसेंट। थोड़ा सा ऑयली ज़्यादा लग रहा है मेरे को। आई रियली लाइक द फ्राइड राइस, फ्राइड राइस बहुत टेस्टी है इसका। हम लोग के वहाँ का फ्राइड राइस वाइट होता है। हाँ, ये जैसे चटपटा मसालेदार, यू नो, स्ट्रीट स्टाइल फ्राइड राइस है। देसी चाइनीज, एग्जैक्टली देसी चाइनीज, और चाइनीज सॉस का उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आ रहा, लाइक सोया सॉस, टोमेटो सॉस और विनेगर का जो पंच होता है ना, चिकन का चीज है ना, उतना ज़्यादा नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि पकौड़ा बना के और फिर उसके ऊपर ग्रेवी डाला हुआ है, और अगर ये जो है ना चिकन थोड़ा सा चुई है, क्योंकि पकौड़ा के ऊपर ग्रेवी डाला हुआ है, अगर ये ग्रेवी के अंदर सोक करके बनाया जाता ना चिकन को, तो चिकन और सॉफ्ट होता। बट आई टेल यू वन, एज पर 100 rupees प्राइस के हिसाब से बोलूँ, इट्स वेरी गुड, वेरी 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 नाइस, एंड स्ट्रीट फूड के हिसाब से बोलूँ इट्स चटपटा। तो स्ट्रीट पे पीपल प्रेफर्स ईटिंग चटपटा खाना, यू नो, मसालेदार, मज़ेदार। नोबडी वांट्स टू ईट, यू नो, क्लासिक फूड। फ्राइड राइस बहुत अच्छा लग रहा है। सी, आपको ना ये ऑथेंटिक चिली चिकन और फ्राइड राइस का टेस्ट नहीं आएगा, जो होता है ना स्नैकी चाइनीज़ फूड वैसा है। हाउ इज़ का फ्राइड राइस में थोड़ा तेल ज़्यादा, अदरवाइज फ्राइड राइस इज़ वेरी 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 फ्लेवरफुल, वेरी फ्लेवरफुल। मेरे को लग रहा मैं पूरा खा जाऊँगी। सो स्ट्रीट स्टाइल के हिसाब से बोलूँ तो आई विल गिव इट 9 out of 10। This is another very demanding and chaotic food stall, which is chicken lekin. Now, यहाँ पर आपको कबाब, चिली चिकन एंड अ लॉट ऑफ यू नो चिकन रिलेटेड आइटम यूल गेट हेयर। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक दिन पहले खा लिया था, बट ये मैं अभी इस क्लिप में मर्ज कर दे रही हूँ। सो चलिए, मेरा ऑर्डर मेरे पास आ चुका है, तब खा के देखते हैं। इट्स 7 o'clock, क्योंकि हम लोग अभी धनबाद से रिटर्न कर रहे थे, सो वी थॉट ऑफ यू नो कवरिंग फ्यू प्लेसेस एंड देन जस्ट गो टू रांची। सो यहाँ पर मैंने दो ही आइटम लिया बिकॉज एवरीथिंग वॉज सोल्ड ऑफ, कबाब, लेग पीस, लिवर, लिवर फ्राई, लिवर चिल्ली। ना लोग यहाँ पर बहुत चिली चिकन एंड चिकन पकौड़ा खा रहे थे। अच्छा, हाफ प्लेट चिली चिकन एंड हाफ प्लेट चिकन पकौड़ा, द प्राइस इज़ 180 rupees। सो दिस इज़ चिली चिकन, बहुत क्वान्टिटी है यार हाफ में भी। ओ माई गॉड, हाउ मेनी पीसेज, आई थिंक 6 pieces। और यहाँ पर हमारे पास है चिकन पकौड़ा। इनका चिकन पकौड़ा आप देखो थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा सौते किया हुआ है मसालों के साथ, मिर्ची, प्याज, सूखा मसाला, एंड इसके साथ वी हैव गॉट दिस चटनी, हरी चटनी। चलिए सबसे पहले मैं इधर का इनका चिल्ली चिकन पकौड़ा ट्राई करूँगा, बिकॉज ये चिकन पकौड़ा बहुत डिफरेंट लग रहा है। इसमें बड़े प्यारे तरीके से प्याज भी डाला हुआ है। 80 rupees मैम, 6 से 7 पीस चिली चिकन चिल्ली पकौड़ा। गुड यार, दैट टू, आप पीसेस देखिए काफ़ी बड़े पीसेस हैं। बट अगर टेस्ट की बात बोलूँ, कोटिंग बहुत अच्छा है, मसाले बहुत अच्छे हैं, बट अंदर का जो चिकन है इट्स वेरी चुई, बहुत ज़्यादा चुई लग रहा है। इट्स नॉट दैट सॉफ्ट एंड टेंडर्ड।
मसाले बड़े अच्छे तरीके से कोट किया हुआ है, तो जो मसाला है ना दैट इज जस्ट गिविंग अ मैजिकल टेस्ट टू द ओवरऑल डिश. बहुत पीसेस है, 6-7 नहीं, बहुत है, 8 पीस है, 8 पीस के बराबर है. इतना सस्ता कैसे दे रहा है? लेट्स ट्राई द चिली चिकन नाउ. यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा, 80 रुपये में, इट्स ह्यूज पीसेस, बहुत ज़्यादा. एंड यू नो ये सब चिकन के आइटम रख रहे हैं, ऐसे सूखे आइटम जो लोग स्नैक्स की तरह ले रहे हैं और खा रहे हैं. बहुत ज़्यादा ग्रेवी है इसमें. टू सॉसी. वो जो चिकन पकौड़ा है, पकौड़ा के केस में क्या किया, प्याज और मिर्ची से टॉस करके दिया हुआ है, इस केस में चिली चिकन का ग्रेवी बना के दिया. इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइस है, बहुत सोया सॉस का फ्लेवर्स है. इट्स गुड. प्राइस वाइज देखो, क्वांटिटी इज ह्यूज, टेस्ट इज एवरेज, बट बहुत चटपटा है. लाइक लोगों को चटपटा खाना अच्छा लगता है शाम के टाइम पे, उस हिसाब से बोलो तो बहुत अच्छा है. सी बहुत सुना था बोकारो में इस शॉप के बारे में, इस इटरी के बारे में, एंड आई से इट्स अ मस्ट ट्राई. लाइक यू कैन कम फॉर एन एक्सपीरियंस, डेफिनेटली एक्सपीरियंस के तौर पे बहुत अच्छा है, समथिंग डिफरेंट, मतलब अच्छा, इट्स गुड. वी हैव कम टू कोजी स्वीट्स टू ट्राई आउट सम चाट एंड रसमलाई. लेट्स सी खुला है कि नहीं. वो मीठा चटनी, इमली का चटनी और दही, काला नमक, जीरा पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पत्ता, ओ सैलेड, वाओ वाओ, भुजिया, डिलीशियस डिलीशियस डिलीशियस. यहाँ का वैसे तो समोसा चाट एंड रसमलाई इज फेमस, बट मैं समोसा मेरे को खाना नहीं है, सो आई एम ईटिंग माई फेवरेट आलू टिक्की चाट एंड रसमलाई डेफिनेटली. तो आलू टिक्की चाट पहले ट्राई करते हैं. इसका प्रेपरेशन मैंने आपको दिखाई दिया था, इट वॉज़ वेरी टेम्पटिंग, मेरे सब कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं खा ही लेती हूँ. एक चीज़ तो मैंने देखा है शहर में, लोग खाना खाते भी है कि नहीं खाते, मुझे कमेंट करके बताओ. बोकारो में जो आप लोग रहते हो, बोकारो में जो आप लोग रहते हो, खाना खाते हो कि नहीं खाते हो? जिसको देखो चाट खाया जा रहा है, लाइन से चाट की दुकानें, लाइन से आइसक्रीम की दुकानें, लाइन से डोसा की दुकानें, लाइन से छोले भटूरे की दुकानें है. भैया यहाँ पर कोई खाना खाता है या सिर्फ चाट खाता रात को? सिर्फ चाट खा के सो जाता है बस, चाट वो भी चाटी हुआ, खाना थोड़ी ना हुआ. ओ आई लव आलू. इसका टेस्ट मैं क्या बताऊँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है. आलू इज टेस्टिंग वेरी क्रीमी एंड थोड़ा सा यू नो ऊपर का पार्ट थोड़ा क्रिस्पी है, उसके ऊपर जो छोला का सब्जी थी ना वो भी बहुत टेस्टी है, एंड सब्जी दही चटनी इज एडिंग अ लॉट मोर फ्लेवर टू द ओवरऑल टेस्ट. गुड आलू टिक्की चाट यार, आई मस्ट से. यार ये आलू के जो, ये जो आलू है ना तेल में फ्राई किया हुआ आलू, ओह आई लव दिस. आलू की वजह से पूरा टेस्ट एकदम उंदा हो गया. ना चलिए अब खाते हैं हम रस मलाई. वाओ अभी मेरे को मीठा का बहुत ज़रूरत है, मेरा एनर्जी पूरा लो हो गया है, सो आई बैडली नीड सम स्वीट्स टू पंप अप माई एनर्जी. देखो मीठा खाती नहीं तो मीठा का उतना आइडिया है नहीं, बट केसर का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है. एंड दिस ये रसगुल्ला जैसा जो है, इसको क्या कहते हैं आई डोंट नो, ये बहुत सॉफ्ट है,
एंड लेस कॉन्जी।